عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم معي نفر من قومي فقال أبشروا وابشروا وبشروا ما وراكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس فاستقبلنا عمر بن الخطاب فرجع بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردكم قال عمر قال لما ردتهم يا عمر فقال عمر اذا يتكل الناس قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر ईमानद तोहद के चैप्टर में आज की हदीस नंबर है सिलसिला सयाह की सात सौ बारह और इसके अलावा इमाम तवी ने मुश्किलआसार में इस हदीस को ज़िक्र किया है इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुन्द में इस हदीस को ज़िक्र किया है रवि हदीस अबू बकर बिन अबी मूसा वो अपने बाप से रिवायत करते हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी कौम के चंद अफराद के साथ प्यार नबी अलैहि वसल्लम की खदमत में पहुंचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहा बहुत सारी तालीमत दी तो अल्लाह के रसूल ने हमें यह खुशखबरी दी और कहा कि अब शिरु वबा शुरुन्नास तुम खुश हो जाओ और लोगों को भी ये खुशखबरी सुना दो तुम खुश हो जाओ और लोगों को भी ये खुशखबरी सुना दो जो तुम्हारे सामने मिले मब अकुम, उनको भी खुशखबरी सुना दो क्या खुशखबरी अनुमन शहीद अल्लाह इल्ला इल्ला सद और एक रिवायत में सऊद कम बिन कल भी जो इंसान कलम तोहद का सच्चे दिल के साथ इकरार करेगा सद कम मेन उस आदमी को ये बशारत दे दो दलल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा ये खुशखबरी देते हुए वो साहिब आ रहे थे तो कह रहा है कि नबी के पास से हम लोग निकले जो भी सामने मिल रहे थे सबको ये बशारत दे रहा था कि जो सच्चे दिल के साथ कलिमाए तैयबा कलिमाए तौहीद पढ़ देगा वो जन्नत में दाखिल होगा हजरत उमर मिले हजरत उमर ने और एक रिवायती जो हजरत अबू हुरैरा से हैं उन्होंने उनके छाती पे मारा और वो पीछे गिर गए कहा कि तुम सबको ऐसे बशारत देते फिर रहे हो फिर लोग अमल कहां से करेंगे अमल छोड़ देंगे लोग किसने कहा तुमसे ये कहा कि नबी ने कहा कि जाओ नबी के पास जाओ जाके दोबारा फिर पूछो वो आदमी आए नबी के पास कहा कि किसने तुमको यहां भेजा कहा कि उमर ने नबी ने उमर तु को बुलाया कहा कि तुमने इनको क्यों भेजा है तुमने इनको क्यों भेजा है तो उमर उमरदिल्ला तु ने कहा धन यद तकिलनास लोग इसी पे भरोसा करके अमल छोड़ देंगे हाँ मैं ला इल्लल्लाह पढ़ दिया दिल से अब जो है जन्नत मेरे लिए पक्की हो गई है अब अमल नहीं करेंगे इसलिए प्यारे नबी वसल्लम इस पर खामोश रहे ये हदीस है इसको हमें समझना है पहली बात आमतौर से हमारे पास ये मशहूर है कि जिसको मौत के वक्त कलीमा नसीब हो गया वो जन्नत में जाएगा कोई ज़रूरी नहीं है जबान से कलीमा पढ़ने से कुछ नहीं होगा लाख दसियों बार जबान से पढ़ ले मौत के वक्त भी पढ़ ले कोई फायदा होने वाला नहीं है नबी ने एक लफ्ज कहा सौदि कम बिन कल भी वो अपने दिल से सच्चा मान के ला लाला को पढ़ा तब फायदा होगा और सऊदिकन का ये जो मतलब है इसमें अहिल ने बहुत साली सारी तफसीर तफसीर और त, तश्री बयान किए हैं दिल में सच्चाई के साथ क्या मतलब है कलीम तय्यबा के सात शर्तें हैं और जदीद तहक़ीक के मुताबिक आठ शर्तें हैं हम में से कितने लोगों को पता है कलीमाय तयबा ला ला के आठ शर्तें हैं आठ के कंडीशन हैं अब बताइए कितने लोगों को पता है हाँ माशाला जक चलो एक तो कम से कम हाथ उठा है हुँ? अब सिर्फ जबान से पढ़ दो फायदा होने वाला है कलीमा तैयबा के जो आठ शर्तें हैं उन शर्तों को आप देखें उनकी जो कंडीशंस हैं डिमांड्स हैं उनके मुताबिक हमारा अमल है कि नहीं है वो देखें सादक का यह लफ्ज़ ऐसा है कि आप जान से उसकी सच्चाई पे अमल भी करें अकीदा भी रखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम सादिक लफ्ज़ को समझना चाहते हैं मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको समझाता हूँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खब देखा दिल में यकीन आया कि बच्चे को जबा करना है अल्लाह ने उस वक्त उनको सच्चा नहीं कहा कब सच्चा कहा जब बच्चे को ले गए ले जाने के बाद लिटा दिए उसके बाद जबा करने के लिए तैयार हुए, अल्लाह ने उस मौके पर फरमाया, फरमायाद तरईया हाँ जो ख्वाब तुमने देखा उसकी तस्दीक अब कर दी है क्या मतलब है सच्चाई का तुमने जबान से जो इकरार किया अमल से वो करके दिखाओ तब जाके सच्चाई होगी तुमने कहा ला इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इबादत के हकदार नहीं है अब अमल से करके तो दिखाओ ला इला पढ़ें वो कबर के पास जाकर सजदा भी मारे बाबा के पास जाकर फरियाद भी किए गौ से आज़म के पास जाकर दस्तगिरी भी किए और शिफा तलब करने के लिए किसी और मज़ार के पास भी चले गए तो सच्चे हैं अपने वादे में इकरार में सच्चे हैं क्या बताओ भाई तो शुभ हो रहा यकीन नहीं आ रहा कहा उसने लाला नमाज, नमाज में करार करता न्याया के नस्ता अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं तुझसे ही मदद मांगते हैं सलाम फेरे वहाँ बाजू दरगाह है कबर है उसके पास जाकर बाबा ये कर दे अम्मा जान वो कर दे दादा पीर वो दे दे है नहीं। अब बताइए ये जो इकरार किया अल्लाह तेरी ही इबादत उसमें सच्चा है वो सच्चा नहीं है झूठा है तो साद उसमें फिट नहीं आ रहा है जबान से कहने से नहीं होगा आपका अमल भी उसके मुताबिक होना चाहिए कि आप इबादत में किसी को शरीक ना करें इबादत की जो किस्में हैं वो सब अल्लाह के लिए दें इज्जत के खातिर खड़ा होना तवाफ़ करना रुकू करना सजदा करना फरियाद करना दुआ करना जबह करना नजर व न्याज करना मन्नतें मानना और कस्मे खाना तवक् करना भरोसा करना इसत करना इस करना, करना मदद मांगना ये सारी की सारी इबादतें हैं अमली तौर पर भी यह अल्लाह के लिए होना चाहिए तब जाके आप सच्चे हैं और ना सिर्फ जबानी ला इल्लल्लाह पढ़ने से कुछ नहीं होगा जबा से कह दे ला इला 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 तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं ये दिलो निगाह को मुसलमान बनाना है और मुसलमान का मतलब होता है आप प्रैक्टिकली उसको करें इसके जो कंडीशन है डिमांड्स है उसके मुताबिक अमल करें तब जाके आपको फायदा होगा तो पहली बात सिर्फ नबी ने जो कहा बिल्कुल सही है कि जो सच्चे दिल के साथ कलीमा तैयबा ला इला इल्ला ला का इकरार भी करें अमल भी करें उसके डिमांड्स और तकाज़े के मुताबिक अमल कर दें तो जन्नत में जाएगा और ला इला इल्ला इल्ला का मतलब ही यही है कि भाई अल्लाह के सिवा कोई इबादत के हकदार नहीं है तो जबान से जब पढ़ दिए तो अल्लाह के लिए इबादत भी करो है कि नहीं और इबादत में नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए रोजा रखो अल्लाह के लिए हज करो अल्लाह के लिए जक़ात दो अल्लाह के खातिर तिलावत करो अल्लाह के लिए अस्कार करो अल्लाह के लिए तवक्ल करो अल्लाह पर शिफा तलब करो अल्लाह से यही तो अमल है हा? बस नहीं, नहीं आ रही है और कायनात के निजाम और सिस्टम जो चला रहा अल्लाह ही है अल्लाह के सिवा कोई नहीं चलाता है ये अमल आपके पास हो तो आप सच्चे हैं सादे कम मिनकर भी वहां तक इतना कोई कर ले तो जन्नत में तो जाएगा ही नहीं जाएगा उसी को कहा आमनू वो सालिहात ईमान और नेक अमल दोनों साथ में होना चाहिए उमर दिल्ल ने जो किया वो भी सही है कि भाई तुम सिर्फ इतना बता दोगे सारी तफसीलात के साथ नहीं बताओगे तो जाहिर सी बात है लोग हाँ ला यला यला हमने पढ़ दिया जन्नत के टिकट हमने जेब में ले लिया खत्म हम आखिरी नबी की उम्मत है कुछ भी करो नबी सिफारिश करके पार करवा देंगे है कि नहीं शब बरात में जाओ जाकर तो रकात नमाज पढ़ लो साल भर के नमाज़ की कज़ा हो गई है हम तो क्या करेंगे भाई गलत रास्ते पे जाएंगे नहीं जाएंगे इसलिए हजरत उमर ने इस तरह से कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो भी सही है उस एंगल में उमर ने जो कहा ये भी सही है और उमर को जब पता चला कि भाई इससे साद ये जो लफ् है इससे सारा मसला साफ होता है और यही गोया के अकीदे की बुनियाद है इसी की बुनियाद पर हमारे अमान अल्लाह के पास काबिल कबूल होंगे दुआ कीजिए रब्लम से अल्लाह तबरक हमें और आपको सच्चे पक्के ईमान अकीदा वा तोहद वाले बनाए आमीन शब्बा कल अस्त फ़रकतबिलहमद